वाकया इस सिलसिले में अर्ज करता हूं। और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी फरमाते हैं कि मैदान बदर में एक मरहला वो था कि एक आदमी उधर से लड़ने के लिए आता था, फिर एक इधर से लड़ने के लिए आता। कुफार ने इस जंग को हारते देखा तो इज्तमाही जंग शुरू हो गई, और इज्तमाही जंग के बारे में खुद ही इरशाद फरमाते हैं कि इज्तमाही जंग में इसकी बड़ी अहमियत है कि इंसान का दाया भी मजबूत हो और उसका बाया भी मजबूत। हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने दाई तरफ देखा तो एक मासूम सी कली, एक बच्चे, एक नौजवान को अपनी दाई तरफ खड़े देखा। दिल ही दिल में मैंने कहा कि अब्दुलरहमान तुम तो मारे गए, तुम्हारा दाया तो बहुत ही कमजोर, ये क्या गुन खिलाएगा, कहां तक जाएगा। फरमाते हैं फिर मेरी बाई तरफ नजर पड़ी तो एक और मासूम से बच्चे को मैंने इस तरफ खड़े देखा, बस पैरों तले जमीन निकल गई। और मैंने अपने आप से कहा कि तुम्हारा तो दाया भी कमजोर है और बाया भी कमजोर। फरमाते हैं कि अभी इसी उधेड़ बुन में था कि दोनों बच्चे बेक आवाज बोले और चिल्लाकर दोनों ने कहा कि चचा अबू जहल कहाँ है। फरमाते हैं कि मैंने दोनों को सर से लेकर पैर तक देखा और पूछा कि भतीजो तुम अबू जहल का क्या करो। दोनों ने बेक आवाज कहा कि चचा घर से तय कर आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बागी का काम तमाम करेंगे, जहन्नम रसीद करेंगे, खून में उसको नहलाएंगे। फरमाते हैं कि मैंने कहा कि अच्छा तो देखो वो सामने वहां मचान पर फला रंग के कपड़ों में मलबूस बैठा है, बस वही अबू जहल बैठा, बार बार उसकी फौज तितर बितर होती है, बार बार वो उनको मुनज्जम करता, लश्कारता और आगे की तरफ भेजता, बार बार उसकी फौज में बदनज़मी की कैफियत पैदा होती है, फिर वो उनको मुनज़्ज़म करता है। देखो वो सामने फला मचान पर फला रंग के कपड़ों में मलबूस अबू जहल बैठा। फरमाते हैं कि अभी बात अधूरी थी, अभी कुछ कहना बाकी था कि दोनों बच्चे तूफान की तरह उठे, बिजली की तरह कूदे, आंधी की तरह बढ़े, मचान के करीब पहुंचे, दोनों ने वार किया, दोनों का तलवार का वार अबू जहल की गर्दन पर लगा, अबू जहल मचान से नीचे गिरा, खाक और खून के अंदर लिथड़ा हुआ अबू जहल उन्हीं जख्मों की ताब न लाते हुए जहन्नम में। ये दो बच्चे कौन है? माज और महबूज रज़ियल्लाहु ताला। क्या बात, ये वाकया तो हम बयान करते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, लोग बयान करते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ये वाकया सिर्फ इसलिए है बदर के और ताइफ के हम बयान करें, नहीं आप भी जानते हैं इसलिए नहीं। ये जिंदा और ताबिंदा वाकया बदर के मैदान का पहला और बुनियादी सबक ये है कि जब हक और बातिल का मार्का होता है, जब मारूफ और मुनकर की कश्मकश होती है, जब अल्लाह और उसके रसूल काल अल्लाह और काल रसूल का हवाला मजबूत होता है और शैतान उसकी जरूरियत सामने होती है, तो अददी कुवत बेमानी हो जाती है, असला साधो सामान बिल्कुल नाकाबिल जिक्र हो जाते हैं। फिर हक खुद अददी कुवत, हक के अंदर खुद असला और साजो सामान, हक के अंदर वो कर्रफर और वो तमाम चीजें मुजमिर और पिना है कि वो बातिल को शकल दे सके। बाकी तो फिर नाम लेने के लिए मैं और आप मौजूद हैं और दूसरे लोग हैं। इसलिए नजरियाती कश्मकश के दौर में और हक और बातिल के उनवान से मैदान अमल में निकलने के हवाले से इस ईमान को पुख्ता करने की, इन कदमों को जमाओ की, इस्तकलाल और अज़्म व हिम्मत की, इस्तिकामत और रुल अज़्मी की जरूरत है।